गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो क्लास, दिस इज़ योर हिंदी पीरियड. टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक भाषा पद. नाउ क्लास, ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 95. सो चिल्ड्रन, टुडे वील डू these question answers which are based on this paragraph. okay, हमें ये question, इन questions के answer देने हैं. इन questions के answer के कहाँ से मिलेंगे हमें? इस paragraph को पढ़ के. okay children, question is पाठान पाठांश के आधार पर उत्तर लिखिए. okay, so I am reading this paragraph, please listen carefully. हमारी तरह कुछ पक्षी भी अपने लिए आवास बनाते हैं. उनके आवास को घोंसला कहा जाता है. सभी पक्षी घोंसला नहीं बनाते. राष्ट्रीय पक्षी कहा जाने वाला मोर बागों व झुरमुटों में रहता है. तोता पेड़ के कोटर में रहता है. कठफोड़वा तो एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सख्त चोंच से पेड़ों में छिद्र बना लेता है. मोर और कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है. पक्षियों का भोजन भी अलग होता है. कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी. मांसाहारी पक्षी कीड़ों मकौड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं. इससे धरती पर पर्यावरण संतुलन बना रहता है. ओके चिल्ड्रन, तो हमने ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया. अब हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ के इनका आंसर देना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोर कहाँ रहते हैं? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज द आंसर. राष्ट्रीय पक्षी कहा जाने वाला मोर बागों व झुरमुटों में रहता है. सो राइट डाउन आंसर विद मी. मोर बागों व झुरमुटों में रहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, पेड़ के कोटर में कौन सा पक्षी रहता है? इसका आंसर हमें यहीं से मिलेगा ना चिल्ड्रन? तो इसका आंसर क्या होगा? ये तोता पेड़ के कोटर में रहता है. राइट डाउन आंसर. पेड़ के कोटर में तोता रहता है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीड़े मकौड़ों को खाने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? क्या बोलते हैं हम उन पक्षियों को? मांसाहारी पक्षी. ये लिखा है ना, मांसाहारी पक्षी कीड़े मकौड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं. सो राइट डाउन आंसर. कीड़े मकौड़ों को खाने वाले पक्षी मांसाहारी कहलाते हैं. नेक्स्ट,
कठफोड़वा अपने रहने की जगह कैसे बनाता है? कठफोड़वा अपने रहने की जगह कैसे बनाता है? आंसर इज, इस लाइन में इसका आंसर है, कठफोड़वा तो एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सख्त चोंच से पेड़ों में क्या कर देता है, छिद्र बना लेता है। तो इसका आंसर हमें शॉर्ट में लिखना होगा, कठफोड़वा अपनी सख्त चोंच से पेड़ों में छिद्र यानी छेद बनाकर उसमें रहता है। डन चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, दिस इज योर क्लास वर्क। नाउ योर होमवर्क इज, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 6 इन योर हिंदी लिटरेचर नोटबुक। ओके चिल्ड्रन, फर्स्टली यू हैव टू पुट टुडेज डेट, देन राइट डाउन होमवर्क ऑन द टॉप ऑफ द पेज। आफ्टर दैट डू दिस क्वेश्चन, डू दीज क्वेश्चंस इन योर हिंदी लिटरेचर नोटबुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।